त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा भड़काने, प्रतिमाएं ध्वस्त करने के आरोप लगे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी पर त्रिपुरा के कमालपुर में कांग्रेस ऑफिस के कब्जाने का आरोप लगा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पूजन विश्वास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पूजन के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने कहा कि आपके जैसे सच्चे कार्यकर्ताओं की वजह से ही कांग्रेस जिंदा है, हम वापसी करेंगे। पूजन विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा, कमालपुर कांग्रेस ऑफिस पर बीजेपी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वे जो करना चाहते हैं करते रहे, एक दिन बीजेपी को राज से उखाड़ फेंकेंगे, ये यूथ कांग्रेस कॉडर का वादा है। वहीं भाजपा के त्रिपुरा प्रदेश उपाध्यक्ष सुबल भौमिक ने माकपा पर जानबूझकर उकसाने और हिंसा में संलिप्त होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस बीच राज्य में विभिन्न जगहों पर भाजपा और माकपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की रिपोर्टें आई हैं। वहीं जिला प्रशासन ने कई जिलों में निषेधात्मक आदेश दिए हैं और हिंसा रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर, लखनऊ।